अच्छा जी, अगर आपको वीकेंड में दो ऑप्शन दिए जाएं, या तो आप क्लब रेस्टोरेंट में जाकर खा पी कर 4-5 हज़ार रुपए खर्च कर लो, या कोई नई सी जगह एक्सप्लोर कर लो उतने ही पैसे में, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? बताओ बताओ, क्या सिलेक्ट करोगे आप? हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विद येट अनदर न्यू वीडियो. और हाँ जी, आपको दो ऑप्शन दिए थे. आई नो जो लोग पार्टी फ्रीक होंगे, पार्टी एनिमल होंगे, डेफिनेटली वो ये वीडियो ओपन भी नहीं किया होगा उन्होंने. अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने इसलिए किया है क्योंकि आपको जानना है कि 5,000 रुपए में, मिनिमम बजट में, आप ऐसा वैसा ट्रिप नहीं कि जाकर बस छूकर आना है, 5,000 में आप वहां पर 2 दिन रुक सकते हो, आराम से घूम सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो. एक्सप्लोरेशन वाले ट्रिप और पूरे बजट के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, कैसे कहां से क्या बुक करना है, सब कुछ आपको बताने वाली हूं इन टुडेज वीडियो गाइस. तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ज्यादा बातें ना करते हुए हमेशा की तरह इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी चाहती हूं आप लोग ये वीडियो को जल्दी जल्दी देख के फटाफट से बुकिंग कर लो इफ आपको इस वाले लॉन्ग वीकेंड में कहीं जाना है. क्योंकि यस, दशहरा है और उसके बाद ऑब्वियसली छुट्टियां हैं लोगों की, फिर सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो लॉन्ग वीकेंड हो गया है, राइट? तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. तो सबसे पहले मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने वाली हूँ, वहां पर एक्सप्लोर करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी जगहें हैं. और अगर आप वीकेंड पे जाकर वहां पर गंगा किनारे बैठकर एकदम इत्मीनान से मेडिटेशन करना चाहते हो, या फिर गंगा आरती का आनंद लेना चाहते हो, भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो, तो दैट्स द प्लेस. आप समझ भी गए होंगे मेरे ख्याल से. नहीं, हरिद्वार नहीं, मैं ऋषिकेश की बात कर रही हूँ. के बारे में, वो है धर्मशाला मैक्लोडगंज. अब सबको पता है धर्मशाला मैक्लोडगंज जो है वो हिमाचल में आता है. बोथ आर डिफरेंट प्लेसेस, बट लोग मोस्टली जाके मैक्लोडगंज में स्टे करते हैं, क्योंकि धर्मशाला में इतना कुछ घूमने का नहीं है. दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैक्लोडगंज में स्टे करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर है, तो वहां पे वेदर भी थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ी शांति भी होती है, थोड़ा सुकून भी होता है. अब धर्मशाला पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बाय रोड. सेकेंड ऑप्शन फ्लाइट भी है, पर हम इस वीडियो में क्यों उसके बारे में बात करेंगे, और आप ये वीडियो देख ही क्यों रहे हैं अगर आपको लग्जरी ट्रैवल करना है. क्या बढ़िया था गुरु. तरीके से ट्रैवल कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि जो लोकल्स खाते हैं, अगर आप वो खाओगे तो डेफिनेटली आपको वहां का लोकल टेस्ट पता चलेगा. मैं तो हमेशा ये करती हूँ, इवन मुझे चाय भी पीनी होती है तो मैं किसी लोकल टपरी पे जाके पीती हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ कैफे और वहां बैठकर कॉफी पीना. यार ये तो मैं दिल्ली में भी कर सकती हूँ ना, ये तो मतलब हम शहरों में भी कर सकते हैं, कैफे में जाकर कॉफी पीना, चाय पीना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना. तो ये हम उसके लिए पहाड़ों पे जाते क्यों है, मतलब हम पहाड़ों पे क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हम वहां की चीजें एक्सप्लोर करने के लिए. तो गॉट माय पॉइंट. नाउ तीसरी जगह के बारे में बात करते हैं, जहां से मैं अभी अभी वापस आई हूँ, वो है जयपुर. जयपुर, हाँ जी, आप वीकेंड ट्रिप कर सकते हो, 2 दिन इनफ है जयपुर घूमने के लिए. और जयपुर जाने का बेस्ट 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 वे है ट्रेन. यस, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी आप बाय रोड जाओ, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार देखने के लिए बाय रोड. मतलब दिल्ली से जयपुर तक का जो बाय रोड वाला जो सफर है वो इट्स सो बोरिंग, लाइक जस्ट हाईवे हाईवे. तो बेटर यू शुड ऑप्ट फॉर ट्रेन. अजमेर शताब्दी में हम गए थे, उस ट्रेन का जो किराया था वो बेसिक ईसी चेयर ट्रेन होती है, चेयर कार होती है, तो उसका जो किराया था, फेयर था, वो था 600 रुपए पर पर्सन. तो आने जाने का अगर एक पर्सन का लो तो 1200 रुपए हो जाते हैं आपके टिकट के.
ऐसी फेवरेट नहीं थी पहले, पर क्योंकि मैंने वहां पर नए दोस्त बना लिए हैं, एक फैमिली जैसा लगता है, और मैं लॉकडाउन के टाइम पे 1 month के लिए वहां जाकर रही थी, तो मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि अगर वीकेंड में 2 दिन के लिए जाना है और आप यहाँ नहीं गए हो कभी भी, तो एक बार तो जाना बनता है, और वो जगह है शिमला। बहुत सारे लोग एक बार बोलने में ही समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं शिमला पहुंचने के कम्यूट के बारे में। तो बसेस अगेन यहाँ पर बड़ी इजीली आपको मिल जाती है इस रूट में। HRTC की बस इसमें ऑप्ट करना ये बोलूंगी, क्योंकि प्राइवेट बसेस इस रूट की ना थोड़ी धीमी होती है, थोड़ी लेट पहुंचाती है। HRTC की वॉल्वो बसेस काफी अच्छी चलती है, आप उसको रेड बस में भी आपको मिल जाएगी, आपको HRTC की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और 800 से 1200 रुपए के बीच में जो है इसके टिकट्स आपको मिल जाती है। बट 1000 रुपए तक आप मान लो रफली, तो आपके आने जाने का 2000 रुपए हो जाता है बस का। अब बात करते हैं शिमला में स्टे की। तो शिमला में ज्यादा हॉस्टल्स नहीं है, क्योंकि शिमला जो है वो बैकपैकर्स हेवन नहीं है। जैसे मनाली में आपको एन नंबर ऑफ हॉस्टल्स मिल जाएंगे, पर आपको शिमला में इतने हॉस्टल्स के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। स्टिल वहां पर कुछ कुछ है हॉस्टल्स जो कि आपको बजट में मिल जाते हैं। आपको शिमला में स्टे करना है तो आपको मेरे ख्याल से 1000 से 2000 रुपए खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि उससे कम में आपको नहीं मिलता है वहां पर स्टे, टू बी ऑनेस्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल्ली के बड़ा करीब, हाँ जी समझ गए, आगरा के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है ताजमहल के अलावा और कुछ भी नहीं है देखने को, तो यू आर रॉन्ग। और भी बहुत कुछ है यार आगरा में, सर्च करना चाहोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक भी छोड़ दूंगी हर लोकेशन से रिलेटेड, आप वहां पर कहाँ कहाँ घूम सकते हो, तो फिर आप उसको भी आराम से देखकर चेकआउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं आगरा पहुंचने के तरीकों के बारे में। AC वॉल्वो बसेस ही आपको 400 से 500 रुपए के अंदर, भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, उससे ही कम में आपको यहाँ से मिल जाती है, और आप इजिली इससे आगरा पहुंच जाओगे। बट मैं आपको कहूंगी कि आप स्टे करो, क्योंकि सुबह सुबह जो मेस्मराइजिंग जो व्यू होता है ताज का सनराइज के साथ वाला, वो आप देखना मिस ना करो। उसके लिए आपको स्टे करना पड़ेगा, और स्टे करने के लिए हिमानी क्या रिकमेंड करती है, तो आगरा में भी हॉस्टल है। एंड फूड एंड नॉर्मल घूमने की बात करूं, तो यहाँ पर आगरा में कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब ताजमहल एंटर करने के लिए भी कुछ टिकट लगती है, तो इस तरीके से आपको 400-500 रुपए वो टिकट्स और इन सारी चीजों में लग सकते हैं। सो दैट्स फेयर, आपका इधर टिकट का खर्चा जो है वो तो कम हो रहा है। इसी के साथ गाइस, आई हैव कंप्लीटेड 5 places जो कि मैंने इसमें नोट डाउन करी थी आप लोगों के लिए स्पेशली। तो होपफुली ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ आपने अभी तक नहीं किया है। एंड कमेंट सेक्शन में बताना भी और कोई वीडियो रिकमेंडेशन है आपका जो आप देखना चाहते हो कि मैं बनाऊं और आप लोगों के लिए वो वीडियो, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड टेक केयर ऑफ people around you. We'll see you with another video very soon. Till then, tada, bye bye, namaste.